बिहार में प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड कोर्स में प्रवेश के तरीके में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब राज्य के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी टीचर्स कॉलेजों के डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए इस साल से कंप्यूटर आधारित संयुक्त जांच प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। इससे पूर्व 12वीं के मार्क्स के आधार पर डीएलएड कोर्स में छात्रों का नामांकन लिया गया था। राज्य के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी टीचर्स कॉलेजों के डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए इस साल से कंप्यूटर आधारित संयुक्त जांच प्रवेश परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बता दें, इससे पहले डीएलएड में नामांकन के लिए लिखित परीक्षा ली जाती थी। कोरोना महामारी के दौरान मार्क्स के आधार पर डीएलएड कोर्स में छात्रों का नामांकन लिया गया था। बता दें कि पहली बार डीएलएड में कंप्यूटर आधारित संयुक्त जांच परीक्षा होगी दाखिले को लेकर। वहीं शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है और अगस्त में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसकी परीक्षा कराएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस तरह का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक डीएलएड कोर्स में नामांकन लेने वाले छात्रों की परेशानियों और मेघा की अनदेखी करने की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने पहली बार यह फैसला लिया है। सभी सरकारी और निजी प्राइमरी टीचर्स कॉलेजों में डीएलएड के वर्ष 2022 से 24 के सत्र में प्रवेश के लिए संयुक्त कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे मेधावी छात्रों को लाभ होगा और मेघा के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर परीक्षा के लिए आवेदन लेने का कार्य शुरू कर दे। परीक्षा अगस्त में आयोजित कराने का आदेश दिया गया है। इस वर्ष किसी भी संस्थान द्वारा इस प्रवेश परीक्षा से भिन्न छात्रों का नामांकन डीएलएड कोर्स में नहीं लिया जाएगा। अब डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए कंप्यूटर आधारित संयुक्त जांच प्रवेश परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह फैसला लिया है। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे, ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।